भिवंडी के धामनकर नाका पटेल नगर में 3 मंजिला इमारत ढहने से हम आपको बता दें कि 21 परिवार के लोग मलबे में दबे रहे, जहां पर कई लोगों को मलबे से जीवित निकाला गया तो वहीं पर मरने वाले की संख्या भी 8 बताई गई। विशेष तौर पर एनडीआरएफ की टीम, महानगर पालिका फायर ब्रिगेड की टीम और थाने, हम आपको बता दें कि आपातकाल में की टीम इस राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो वहीं पर हम आपको बता दें कि भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले, पूर्व विधायक रुपेश मात्रे, वहां के स्थानिक नगर सेवक सुमित पाटिल और नगर सेवक नीलेश चौधरी ने विशेष तौर पर महानगर पालिका के ऊपर निशाना साधा और क्या कहा, देखिए इस विशेष एपिसोड को। लेकिन एक बहुत दुखद घटना ये घड़ी है, क्या इसके वजह से एक पूरे परिवार, बहुत सारे परिवार बेघर हो गए और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है। लेकिन वारंवार ये जो प्रशासन जब बिल्डिंग बनाते हैं महापालिका वाला, उनका ये नेचर ही वैसा ही है, क्या बिल्डिंग बनाने अनलीगल बिल्डिंग बनता है, उनको दिखता है, फिर वो जानबूझ के बिल्डर को नोटिस देते हैं, फिर उसको बोलते हैं कोर्ट में जाओ, तू स्टे लेके आओ, और स्टे के बहाने वो 5 मंजिली 10 मंजिली जो बिल्डिंग बनाते हैं, उसके वजह से वो बिल्डिंग की क्वालिटी वैसी नहीं रहती। और आज भी स्ट्रक्चर ये करते हैं, धोखादायक इमारत बोलते हैं, धोखादायक इमारत को नोटिस देते हैं उसको गिराने का, और अच्छी इमारत को भी नोटिस देते हैं, तो उसके कभी कभी कुछ के बिल्डर के बोलने पे देते हैं, क्या मालक के बोलने पे देते हैं, तो कोई समझ में नहीं आता क्या ये गिरने वाली है नहीं गिरने वाली। तो ये एकदम लापरवाही और उनकी चालबाजी और या ये तो लेन देन कोई आर्थिक उसके वजह से ये सब होता। और एक बात ऐसी है तो कोशिश बाहर निकाल, लेकिन लोग जाएंगे कहाँ, उनका भी मसला बहुत है, क्या गरीब पहिए तकता रहता है तो वो रहेंगे किधर, एक ही घर रहता है, तो उसका भी कुछ तो एक सोल्यूशन या बिल्डिंग को TDR के माध्यम से ऐसा कुछ दे सके, महापालिका बढ़ा सके, या शासन को अपन रिक्वेस्ट करेंगे तो भी एक काम होगा क्या, तो फिर लोग आराम से निकल जाएंगे। भिवंडी में हर साल 1-2 बिल्डिंग के गिरती ही है, तो इस हालत में हमने शासन से इससे पहले भी बहुत बार डिमांड की है कि क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना जो है मुंबई में लागू है, थाना में लागू है, ये क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना भिवंडी में भी लागू हो जाए, इसकी डिमांड बहुत सालों से हम लोग कर रहे हैं। हमारे सम्माननीय आमदार महेश जी चौगुले और हमने भी पिछले 5 सालों से कोशिश की है कि क्लस्टर डेवलपमेंट भिवंडी में लागू हो जाए। यहाँ पर जो लोगों की मौत हुई है, इंतकाल हुआ है, उनको हमारे सम्माननीय पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और नगर विकास मंत्री जी, उन्होंने 5 लाख रुपया और जो इंजर्ड है उनको 1 लाख रुपया देने का यहाँ पर शासन की तरफ से मदद का ऐलान किया है, और निश्चित रूप से यह मदद उनको मिल जाएगी। लेकिन आने वाले सालों में इस तरह की दुर्घटना ना हो, इसके लिए जो क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना है वो जल्द से जल्द लागू करें, यह मैं मंत्री जी से भी अपील करता हूँ, और हमारे दोनों की तरफ से हम लोग ये पूरी तरह प्रयास करेंगे कि यह क्लस्टर डेवलपमेंट इसी साल भिवंडी में भी लागू हो जाए, ताकि भिवंडी की जो जर्जर इमारतें हैं, क्योंकि 35 या 40 साल पहले जो इमारतें बनी है, भिवंडी की रचना ही इस तरह की है कि नीचे पावरलूम और ऊपर रहने के लिए करते थे, या तो जैसे कमाते गए एक एक मंजिला बढ़ाते गए। ये जो सब बिल्डिंगे हैं, ये सब बिल्डिंगे आज अति धोखादायक हुई है, तो ये सभी बिल्डिंगों का रीडेवलपमेंट होना चाहिए। ये कॉरपोरेशन के लोग जो यहाँ के प्रभाग अधिकारी है, जो बिल्डर के साथ सट्टा लोटा करके जो ऐसे हादसे होते हैं, इसके लिए प्रशासन जवाबदार है। क्योंकि देखिए लोग बिल्डिंग, हम नगर सेवक है, नगर सेवक जब भी लोगों को अपील करते हैं कि आप लोग बिल्डिंग खाली करो, लेकिन कॉरपोरेशन के पास कोई व्यवस्था नहीं है उनको शिफ्ट करना या उनको दूसरा घर देना या कुछ भी व्यवस्था इन लोग के पास नहीं रहती है, इसके लिए वो लोग बेचारे रहेंगे कहाँ पर। एक सवाल आता है, उनकी जान मुट्ठी में लेके वो लोग अनधिकृत बिल्डिंगों में रह रहे, इसका कारण, इसका जवाबदार प्रशासन ही है, और मैं इसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन को ही देता हूँ। आज की जो घटना हुई है उसकी पहला मैं, ये जो महानगर पालिका है ये फेल महापालिका है, इनके वजह से ये अधिकारी जो बाबू बैठे हैं इनके वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। आज ये जो कहीं हमारे जो प्रभाग अधिकारी है खाड़े मैडम, इनको अनाधिकृत मानकाम को देखने के लिए टाइम है, धोखादायक इमारत खाली करने को टाइम नहीं है इनको, क्या बाबा इधर लोग रहते हैं, चलो इनको खाली कराए, उनके लिए कुछ पर्याय कराए, उसके लिए उनको टाइम नहीं है। आज वो इधर मेन बुरा मालूमत लिया कि वो अभी आए भी नहीं, तो ये कहीं ना कहीं महानगर पालिका फेल है, और इसके ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। मैं 20 साल से नगर सेवक हूँ, मैं कॉमन DCR आ रहा है, आज तक कॉमन DCR का पता नहीं है। जो अपना झोपड़पट्टी कायदा आने वाला था वो अभी तक नहीं आया, सिर्फ वादे करते हैं और मुकर जाते हैं, ऐसे हादसे हुए तो तब इनको जाग आती है। अभी महाड़ का हादसा हुआ, उसके बाद में ये हादसा हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? महानगर पालिका के ऊपर जब हमारी महासभा है उसके अंदर हम लोग आवाज़ उठाएंगे,
मैंने अनेक बार कहा है कि प्रभाग समिति ने पूरे एक से लेकर पांच प्रभाग तक जितने लोग अनाधिकृत जो इसमें रहते अपना धोखादायक में उनको निकालो, उसके लिए तुम पर्याय करो। इसका पर्याय ये नहीं है कि रोज 10x10 के रूप रूम पर जाने का और उसको झोपड़पट्टी एक ये करने का, ये कौन सा तरीका है? महानगर पालिका ही फेल है और महानगर पालिका को ही जवाबदार है, हम लोग पकड़ते। ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज़ टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।